हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एंड बॉयज इंडिया। आज का मेरा टॉपिक है 15 से 16 महीने का बेबी डेवलपमेंट। 15 से 16 महीने का बच्चे का चलना होता है वो पहले की कंपैरिजन से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका होता है। वो अच्छे से चलना स्टार्ट कर देता है, इवन वो छोटे छोटे कदम रनिंग के भी स्टार्ट कर देता है। रनिंग का मतलब ये नहीं कि वो फास्टली रनिंग करता है, मतलब वो छोटे छोटे कदम की रनिंग करता है। इस टाइम पे बेबी रिवर्स वॉक करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि पीछे की तरफ भी कदम चलना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे बच्चे का सबसे फेवरेट टॉय बॉल होता है, क्योंकि वो बॉल को इजीली उठा सकता है, वो बिना गिरे उसे किक कर सकता है, उसके साथ खेलने में सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इस टाइम पे आपको बेबी को बॉल देना चाहिए। इस टाइम पे बेबी काफ़ी अच्छी तरह बैलेंस बनाना सीख गया होता है, वो बिना गिरे बॉल को उठा लेता है और वो अपना बैलेंस भी बना लेता है। बॉल एक ऐसा टॉय है, आप घर में भी अपने बेबी के साथ प्ले कर सकते हो। ये बेबी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मेरी बेबी की बात करूँ तो उसका फेवरेट टॉय बॉल ही है। जब मैं उसे बॉल देती हूँ तो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है। इस टाइम पे बच्चा भाई ऐसे वर्ड से जो हमारी मदर टंग में बोलने लगता है, जैसे भाई, दीदी, पापा, दादा, भाई, दीदी, दीदी, टाटा, मामा, मासी, फुआ, पिया, बा, टाटा। 15 से 16 महीने का बच्चा जो होता है वो सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना सीख जाता है। ये जो सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना भी डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। इस टाइम पे बेबी फ्रिक्वेंटली सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना स्टार्ट कर देता है और सोफे और बेड पे भी भागने लगता है, क्योंकि बच्चा इसमें काफ़ी एंजॉय फील करता है। जब बच्चे ये सब एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो आप लोगों को यही ध्यान रखना होता है कि आप लोग उसे उसके सामने ही रहे, क्योंकि बच्चा गिर न जाए और उसे चोट न लग जाए, यही आपको ध्यान रखना होगा। इस टाइम पे आप अपने बेबी को सेल्फ फीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हो। आप उन्हें कुछ भी दे सकते हो। मैंने अभी बनाना दिया हुआ है और वो खा रहा है। आप कोई भी चीज़ दे सकते हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और उन्हें खुद से खाने की आदत डेवलप कीजिए। इस टाइम पे बेबी इजीली खुद से खाना स्टार्ट कर देता है। जब तक बेबी मेसी नहीं होगा तो खाना कैसे सीखेगा? आप मेसी होने का डर मत रखिए, उसे स्पून दीजिए, खाने को उन्हें प्रैक्टिस करने दीजिए। आप देख रहे हो इस वीडियो में मैंने अपने बेबी को स्पून दिया हुआ है। पहले मैंने उसे खिला दिया था और लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था जो उसे खुद से खाने दे रही हूँ। बच्चा स्पून को कैसे होल्ड करता है, कैसे खाना माउथ तक लेके जा सकता है, वो उसे अपने आप ट्राई करेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बेबी इस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है, वो भी खाने की मजा लेता है और खाना सीखेगा। बस थोड़ा सा वो डर्टी जरूर हो जाएगा, बट एंड में रिजल्ट बेस्ट ही आएगा, वो अपने आप खाना खाना सीख जाएगा।
इस टाइम पे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिसे डिफरेंट डिफरेंट टॉयज सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं, तो आपको इस टाइम पे बच्चों को अलग अलग टॉयज देना है और उसको उसके साथ प्ले कराना है। इस टाइम पे आप बेबी को सोसाइटी में, पार्क, सभी जगह लेके उसके साथ प्ले कर सकते हो। और इस टाइम पे बेबी हमें समझने लगता है, हमारी बातों को इशारों से वो काफ़ी ज़्यादा समझता है, तो आप अलग अलग टॉय देके उसे अलग अलग एक्टिविटी करा सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है और एक ट्रक दिया हुआ है। मैंने उसे बोला कि उसे ट्रक में ये ब्लॉक डालना है, तो वो अच्छी तरह डाल रहा है। तो आप ये एक्टिविटी भी अपने बच्चे को घर पे करा सकते हो और उनकी स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने बच्चे को दूसरी एक्टिविटी करा रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक खाली डिब्बा और कलरफुल पेंसिल ली हुई है। मैंने उसे बोला कि डिब्बे में वन बाय वन उसे पेंसिल डालना है। मैंने एक बार उसे करके दिखाया, फिर वो अपने आप कर रहा है। तो ये एक्टिविटी करके बच्चों में फाइन मोटर स्किल इम्प्रूव होती है, क्योंकि बच्चों के हैंड, आइज, थंब, फिंगर सब वर्क करते हैं और बच्चों में बैठने की एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये एक्टिविटी भी आप घर पे इजीली करा सकते हो और बच्चों की स्किल इम्प्रूव कर सकते हो। और बच्चे नई नई एक्टिविटीज़ करके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, तो आप ये एक्टिविटी अपने बच्चों को ज़रूर कराइए। नेक्स्ट एक्टिविटी ये है कि मैंने उसे दो पेन दी हुई है और उसका ढक्कन खोलने को और बंद करने को बोला है। इस एक्टिविटी से बच्चे की फिंगर्स, थंब, हैंड, आई सब वर्क करते हैं, जिससे बच्चे को पकड़ने की मजबूती आती है। तो आप ये एक्टिविटी अपने बच्चे को घर पे जरूर कराइए। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के टॉयज दिए हुए हैं और बॉक्स में वन बाय वन डालने को बोला है। इस एक्टिविटी से हमारा बच्चा कोई भी चीज़ कैसे पकड़ना है वो सीखेगा। और अभी मैंने ये एक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और कलरफुल कैंडी स्टिक दी हुई है। कैंडी स्टिक को बॉक्स में वन बाय वन डालने को बोला है। मेरा बच्चा पपेट से खेलना भी पसंद करता है, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादातर पपेट भी देती हूँ। इस एक्टिविटी में मैंने कलरफुल पम्पम दिए हुए हैं और बॉक्स में वन बाय वन डालने को बोला है। ये सभी एक्टिविटी इस टाइप की है कि बच्चे की फिंगर्स, हैंड, आई सब वर्क करते हैं और उनकी स्किल इम्प्रूव होती है, तो आप भी ये एक्टिविटी अपने बच्चे को ज़रूर कराइए। इस टाइम पे बेबी खुद से एक्सप्लोर करेगा, लाइक वो पूरे घर में घूमेगा और आपकी कॉपी करेगा। आप झाड़ू लेके सफाई करती हो तो वो भी आपके पीछे पीछे झाड़ू लेके सफाई करने की ट्राई करेगा और पोछा भी लगाने की ट्राई करेगा। और किचन में जाके वो ड्रॉवर्स भी खोलेगा और उसमें से चम्मच, कटोरी, प्लेट्स वो सब निकालेगा और उसके साथ खेलेगा। और घर के बाकी जो ड्रॉवर्स होते हैं उसको भी खोलने की ट्राई करेगा और उसमें से चीज़ें बाहर निकाल के खेलेगा। ये सब करने में बच्चे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अगर इस टाइम पे बेबी को टीवी के रिमोट हाथ में आ जाता है तो उसे पता चलता है कि इससे टीवी स्टार्ट होती है, तो वो करने की ट्राई करने लगता है। इस टाइम पे बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टॉयज पसंद होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को माटी पसंद है, तो जहाँ कहीं भी माटी देख लेता है तो वो वहीं खेलने को बैठ जाता है और मैं उसे खेलने भी देती हूँ। तो आप अपने बच्चे को जो भी अभी एक्टिविटी पसंद है वो ज़रूर करने दीजिए, जिससे उसकी स्किल सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इस टाइम पे बेबी बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। मेरे दो बच्चे हैं इसलिए वो एक दूसरे के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं।
अगर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करूँ तो उसको बहुत पसंद है, वो है लिखना। जब भी वो स्लेट या पेन या पेपर या कलर्स देख जाता है तो लिखना स्टार्ट कर देता है। अभी वो प्रॉपर लिख नहीं पाता बट उसको चलाने में वो बहुत मजा लेता है। 15 महीने का बच्चा प्रॉपरली कुछ नहीं लिख पाएगा बट स्क्रिबल को वो करते हैं, आई थिंक उसके लिए ये बहुत एंजॉयिंग है। इस टाइम पे बच्चे को अगर मोबाइल हाथ में आ जाता है तो वो बात करने की ट्राई करता है, वो हमारी कॉपी करने लगते हैं। इस टाइम पे बच्चे को लाइटिंग वाले टॉयस और म्यूजिक वाले टॉयस सबसे ज्यादा पसंद है। जब भी टॉयस में म्यूजिक बजने लगता है तो वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम पे बच्चों को ब्लॉक्स भी दे सकते हो, ब्लॉक्स उनको बहुत पसंद है, वो सबसे ज़्यादा इसके साथ एंजॉयिंग करेगा। ये सब एक्टिविटीज़ करके बच्चों में स्किल इम्प्रूव होगी, ये एक बेबी के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ये सभी एक्टिविटी आप अपने बच्चे को घर पे कराइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।